कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और एबीपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, लाइक आपको भी पता होगा कि जो एक सेमेस्टर होता है वो 6 मंथ का होता है, लेकिन यहाँ पे 3 मंथ में ही ख़त्म करके ये हमारा एग्ज़ाम की डेट शीट निकाल गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। हमने अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, हमारे ऊपर भी प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर होता है, लाइक तुम्हें अच्छे पढ़ना है, मार्क्स लेने हैं। अगर हमारे मार्क्स कम आएंगे, आगे हमने जॉब वगैरह भी ट्राई करनी है, तो उसमें हमारे को रिलैक्सेशन कुछ होगी ही नहीं ना, हमारे को वहाँ पे भी आगे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी हमारा कुछ। तो हम इनको यही बोल रहे हैं, थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन दी जाए, डेट एक्सटेंड की जाए, बस इसीलिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और जब तक बात तक पहुँचेगी नहीं, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता है। आज यहाँ पे जो छात्र छात्राएँ इकट्ठी हुई हैं, ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम प्रोटेस्ट कर सकें वीसी साहब के खिलाफ। और वीसी साहब को जैसे ही, बहुत बड़ी खबर है ये, जैसे ही वीसी साहब को पता लगता है कि प्रोटेस्ट होने वाला है, वीसी साहब पिछले गेट से भाग जाते हैं। वो कॉलेज में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में वीसी साहब नहीं है, इसका क्या मतलब है? हम स्टूडेंट यहाँ वेले बैठे हुए हैं, जो यहाँ आए हैं वो अपना टाइम ज़ाया करने आए हैं। मैं वीसी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ना आपका सिलेबस कम्प्लीट, आपकी फालतू की डेट शीट आ रही है, ना आप डेट शीट एक्सटेंड कर रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? स्टूडेंट पढ़ना छोड़ दे, कॉलेज आना छोड़ दे, फालतू के इनके माँ बाप के पैसे खाए जा रहे हैं। वीसी साहब ये गलत चीज़ है, कॉलेज में आइए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आइए, फैसला लीजिए, डेट शीट एक्सटेंड कीजिए। मैं बस आपसे यही मांग करूँगा कि 10-15 दिन आगे बढ़ा दी जाए ये डेट शीट। आपको पता है यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है डेट शीट के रिलेटेड, हम चाहते हैं कि हमारी डेट शीट एक्सटेंड हो। एक सेम 3 महीने में ये एक सेम कंप्लीट करवाते हैं, बट गवर्नमेंट की और क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बुक्स में ये लिखा हुआ है कि एक सेम 6 मंथ में कंप्लीट होगा। मतलब अगर ये 3 महीने में एक सेम कंप्लीट करवाते हैं, तो एक साल में कितने सेम? 3 सेम कंप्लीट करवाते हैं। तो हम बस ये चाहते हैं कि हमारी डेट्स एक्सटेंड हो, ताकि हम थोड़ा पढ़ पाए। ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले हैं क्या कर रहे हैं? पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। बच्चे फेल करते हैं, पैसे लेते जाते हैं। एक सिंगल बच्चा अगर एक सब्जेक्ट फेल होता है तो 700 रुपया देता है। कोई इतने बड़े अपने उसका बाप इतना बड़ा अंबानी नहीं है कि अगर बच्चों के पेपर हर साल फेल होता जाए पर हर साल वो 700-700 रुपया देता जाए। तो हम बस ये चाहते हैं कि हमारी डेट्स जो है एक्सटेंड हो जाए, ताकि हम बच्चे पढ़ सके आराम से, और टीचर्स जो है जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। तो हम ये सब नहीं देख सकते, हमसे ये सब नहीं पढ़ा जाता। हमारा दिमाग है, हमारा रोबोट तो है नहीं, रोबोट की तरह हम अपना दिमाग चलाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी डेट शीट एक्सटेंड हो। देखिए, आज का जो ये प्रदर्शन है वो अपनी बात में विद्यार्थी द्वारा रखा गया स्टूडेंट के हक में, क्योंकि जो द्वारा 5 से 6 बारी वीसी साहब को दिया गया, बट वीसी साहब जो है वो हमारे सुनते नहीं है। मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, मुझे पता है यहाँ 3 साल से ऐसा ही चलता रहा है, क्योंकि जो किया क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के ऊपर पैसे डाल के कंसेंट ले लिया कि हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो गया। बट जब हमने स्टूडेंट से पूछा तो हमें पता चला कि जो स्टूडेंट का सिलेबस है वो कम्प्लीट नहीं हुआ, तभी आज यहाँ पे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट एकत्रित हुआ है। हमने वीसी साहब को बहुत बार बताया, बट वीसी साहब ने हमारी नहीं सुनी। आज हमें मजबूरी में आ करके बच्चों के साथ यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वीसी साहब है वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और हम वीसी साहब को आज ये बता देना चाहते हैं, आज तो आप यहाँ पे 500 बच्चा देख रहे हैं ना, कल अगर आपका कोई डिसीजन नहीं आया तो कल आपको मेन रोड के ऊपर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट दिखेंगे। और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आखिरी दम तक स्टूडेंट के साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा और हमेशा ही खड़ा रहेगा। और फिर भी डिसीजन नहीं आया, हम सेक्रेटरिएट तक जाएंगे, हम दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन हमें अपना डिसीजन चाहिए। और स्टूडेंट के साथ आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ये हम बता देना चाहते हैं। और इनको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो छात्र शक्ति है वो एक दिन राष्ट्र शक्ति बन के दिखाएगी, और आपको झुकना ही पड़ेगा विद्यार्थियों के आगे। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान, और कीमत भी मात्र 1,92,000। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर, जबकि कीमत वही पुरानी 2,22,000 रुपए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ, मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज़्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल,
मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मेटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191-255-4360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।